अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और रमदान को वेलकम करने के लिए सब रेडी हैं। मैंने भी कम्प्लीटली सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया, घर अच्छे से साफ कर लिया, सारे कर्टन्स वॉश हो गए हैं, कारपेट्स ड्राई क्लीन हो गए हैं और घर में वॉल्स दीवारें और सारे दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ सब क्लीन हो चुका है और बस किचन भी मैंने कर लिया हुआ। बस ये है कि अब जो सैरी की प्रेपरेशन थी वो रह गई थी। लास्ट ईयर मैंने सैरी की प्रेपरेशन नहीं की थी और इनफैक्ट उससे पहले भी मैंने कभी नहीं करके रखी है। सैरी उसी वक्त उठ के बना ली जाती है और जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो लेकिन मैंने लास्ट ईयर देखा था कि मिशारी ने मुझे बहुत तंग किया था। ये 4-5 मंथ्स का था मिशारी और मिशारी ने मुझे बहुत तंग किया था। सही सही रात, जाहिर है उस एज में बच्चे जागते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं गैस की वजह से, तो कभी कभी तो मैं मतलब बिल्कुल सैरी का टाइम होने वाला होता था और मिशारी सोता था और मैं जबरदस्ती जागती थी कि अगर मैं सो गई तो मेरी आंख नहीं खुलेगी और रोजा रह जाएगा मेरा और शहजाद का। तो दूसरी तरफ ये था कि अगर मेरी आंख लग जाती थी फिर भागम भाग मेरी आंख खुलती थी, कभी शहजाद की खुलती थी, मतलब टोटल डिजास्टर हुआ होता था उस टाइम पर। भाग दौड़ लगी होती थी और बहुत सारे दिन ऐसे भी गुजरे हैं जिसमें हमें ब्रेड खा के गुजारा करना पड़ा है जल्दी जल्दी से। तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ बना के रख लेती हूँ। ये वो रेसिपीज हैं जो मैं अक्सर अपने लिए बना के रखती रहती हूँ जब मैं डाइट वगैरह करती हूँ और मेरा कुछ मीठा खाने का दिल चाहता है, जो कि जाहिर है हर एक का दिल करता है। तो मैंने कुछ अपने, अगर मैं कीटो पे होती हूँ तब तो स्ट्रिक्टली मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन कीटो में मैं अब नहीं होती हूँ तो मैं हनी वगैरह यूज करके अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ और उसको मैं बना के फ्रीज इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि बैच अगर पूरा फ्रिज में रखते हैं तो फिर आपको उसको खाना है, खत्म करना है, तो वो मैं नहीं करती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। तो इस वजह से मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये रेसिपीज जो है वो बहुत अच्छी फ्रीज होती हैं और फ्रीजर में आपको पता है कि अप टू 3 मंथ्स चीजें फ्रेश रहती हैं। लेकिन आप लोग जो सारे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि कब तक फ्रीजर में चीजें ठीक रहती हैं, तो मैं सबको 1 मंथ का कह रही हूँ, लेकिन इंटरनेट पर अगर आप चेक करें तो फ्रीज करके आप देखेंगे कि अप टू 3 मंथ्स चीजें फ्रेश रहती हैं। सो खैर, हमें सिर्फ रमदान के मंथ के लिए फ्रीज करना है और इंशाल्लाह जरूर करेंगे, बनाएंगे। तो चले इसके साथ ही रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये मेरा जो अवन है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये ऊपर इसका टेम्परेचर होता है और इसके बाद ये सिलेक्टर होता है कि ऊपर नीचे दोनों की रॉड्स आपने हीट अप करनी है या आपने इसको ग्रिलिंग मोड पे करना है या बेकिंग मोड पे करना है और ये नीचे टाइमर होता है इन मिनट्स। और ये है, आप लोग ब्रांड पूछते हैं, यूरोस्टार इसका ब्रांड है और कितने लीटर्स है ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये छोटा सा अवन है। मेरे पास वो बड़ा वाला भी है, गैस स्टोव के नीचे पूरा अवन है, लेकिन वो एक तो गैस से यूज, गैस होती है यूज, और आपको पता है यहाँ पे ज्यादातर तो सिलेंडर्स हैं, बहुत कम घर हैं जिनमें गैस होती है वरना सिलेंडर्स ही हैं, तो मेरे घर में भी सिलेंडर ही होते हैं तो वो फिर बार बार सिलेंडर लेके आना लेके जाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से मैं उसको यूज नहीं करती हूँ और मुझे वो करना आता भी नहीं है। एक बार मैंने लाइफ में यूज किया था और मेरा पिज्जा उसमें बिल्कुल बर्न हो गया था, जल्दी जल्दी बजाय कुक होने के बर्न हो गया था। तो ये मेरे लिए ईजी रहता है। अब ये मेरा बड़ी है, ये मेरे मुश्किल वक्त का साथी रहा है, जिस वक्त हम फाइनेंशियली ब्रोक थे उस वक्त यही अवन था जिसने मेरा साथ दिया था और अभी ये बेचारा जो है ना काम करना छोड़ गया, इसकी भी एक्सपायरी डेट आ गई है तो हो सकता है कि मैं कुछ अरसे में नया ले लूँ। थोड़ा थोड़ा अभी ये हीटिंग जो है टेम्परेचर मुझे बहुत ज्यादा करना पड़ता है तब जाके प्रॉपर हीटिंग करता है, लेकिन इट्स ओके, हम इसके साथ ही काम करते रहेंगे क्योंकि अभी तक ये काम दे रहा है। मैं इसको सेल नहीं करना चाहती, जब ये बिल्कुल खराब हो जाएगा तो तब मैं दूसरा अवन ले लूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते। ये है जो मैंने पहले से प्रेप करके रख ली है और काफ़ी सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैंने मेजर करके रख लिया है और जो फिर अब वेट इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको मैं साथ साथ करूंगी और एग्स भी निकाल के मैंने रख दिए हैं क्योंकि जितने भी आप बेकिंग रेसिपीज करते हैं उसमें एग रूम टेम्परेचर के होने चाहिए हमेशा और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है फिर। तो ये है आपका हेल्दी डार्क चॉकलेट पैनकेक्स और ये है बनाना मफिन्स और ये हैं चॉकलेट जुकीनी ब्रेड। ये 3 चीज़ें और ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मैंने अवन भी प्री हीटिंग पे लगा दिया और बस अब उसके बाद हम लोग जल्दी से लंच करेंगे और फिर मैं बेकिंग स्टार्ट करूँगी। बेकिंग में सबसे पहले मैं चॉकलेट जुकीनी ब्रेड जो है वो तैयार करूंगी और सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपके पास जुकीनी अवेलेबल नहीं होगी तो आप कैरेट्स भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो मैदा है वो छान लिया है और अब मैं इसमें कोको पाउडर डाल के इसको भी मैं छान रही हूँ और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें बेकिंग सोडा। ये सब इंग्रेडिएंट्स और इनकी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
बेकिंग सोडा के बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं ग्लास बोल में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि ज़रा मज़ा आता है ग्लास बोल में बेकिंग करने का। खैर अब मैंने दो अंडे ले लिए हैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, अगर फ्रिज में पड़े हैं तो निकाल के उन्हें पहले बाहर रखते हैं। ये था बटर जिसको मैं मेल्ट करने गई हूँ और उतनी देर में वीडियो स्टॉप हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं, अभी ज़्यादा रेसिपी आगे नहीं गई है, जस्ट मैंने वो बटर मेल्ट करके डाला था और ये है ब्राउन शुगर, लाइट ब्राउन शुगर, जो डार्क कलर की होती है वो नहीं, ये शुगर डाली थी मैंने। उसके अलावा ये ऑयल था नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल और साथ में मैंने ये वेनिला एसेंस डाला था। बस ये चीज़ें मैंने डाली थी और इनकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में है और अब इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारा जो एग है वो अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए। ये है जुकीनी मेरे पास और तीन जो है वो ज़रा नॉर्मल से थोड़े बड़े साइज़ की जुकीनी है मेरे पास और बेसिकली हमने 1.5 कप श्रेडेड जुकीनी बनानी है, तो आई थिंक 3 काफ़ी रहेंगी। अभी मैंने क्या किया है कि ये जो ड्राई मिक्सचर है उसको मैंने वेट मिक्सचर में ऐड कर दिया है और ये थोड़ा सा मैंने हल्का सा मिक्स किया है और जो जुकीनी मैंने श्रेड करके रखी हुई है उसको मैं मेजर करूंगी। अब ये जुकीनी मैं मेजर कर रही हूँ, इसको ग्रेट करते हुए जो इसका साथ पानी इसका रिलीज हुआ वो भी आपने बैटर में ही ऐड कर देना है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा थिक है, वैसे तो ब्रेड का जरा थिक होता है नॉर्मल केक मिक्सचर से, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि जरा ज्यादा ही थिक है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, सॉरी दूध डाल रही हूँ। अभी मैं डालूंगी दूध के 2 टेबलस्पून, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी। कई बार ऐसे होता है कि अंडे जो हम लेते हैं वो ज़्यादा बड़े साइज के नहीं होते हैं या फिर कोई ड्राई या वेट इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी, जैसे मैदा 1 कप लिया है मैंने, लेकिन यह कि थोड़ा टाइटली पैक हो गया तो फिर वो मिक्सचर ड्राई साइड पे चला जाएगा, या वेजिटेबल ऑयल मैंने पूरा जो जितनी मेजरमेंट थी कप में थोड़ा थोड़ा सा कम रखा हो तो भी रेसिपी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। खैर तो आप दूध के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने चॉकलेट चिप्स डाले हैं, डार्क चॉकलेट चिप्स, आप चाहें तो स्वीट भी डाल सकते हैं नॉर्मल चॉकलेट। अब ये मैं इसमें बेकिंग पेपर मैंने लगा दिया और अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप सिंपली बटर लगा के अच्छी तरह से पैन को, फिर उसके ऊपर मैदा डालें और वो मैदा सारा हर तरफ लग जाएगा तो एक्स्ट्रा मैदा फेंक दें, तो इस तरह से अंदर जब आप डायरेक्टली मिक्सचर डालेंगे तो वो आपके पैन से स्टिक नहीं करेगा। अब मैंने इसको प्री हीटेड ओवन में रख दिया है तकरीबन 60 मिनट्स के लिए और 180 डिग्रीज पे प्री हीट किया था और अभी भी टेम्परेचर 180 डिग्रीज पे है। अब हम आ जाते हैं चॉकलेट पैनकेक्स की तरफ। इसके लिए मैंने 2 बनानास ले लिए हैं, अच्छे खासे जो राइप हुए होते हैं ना वो बनानास आपने लेने हैं, जो ग्रीन ग्रीन है वो नहीं मसा देंगे, उस तरह से फ्लेवर नहीं आएगा। इनको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, आप इसको मैश भी कर सकते हैं और मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ, आप फोर्क से इसको मैश कर सकते हैं। अब इसमें भी रूम टेम्परेचर के 2 एग्स जाएंगे और अच्छे से आप इसको इनकॉर्पोरेट कर लें एग्स को बनानास के साथ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ओट्स, ये क्वेकर ओट्स हैं, क्विक जो ओट्स होते हैं, और साथ में मैंने डाला है कोको पाउडर और साथ में चॉकलेट चिप्स डाले हैं और ये सब मिक्स कर लिया और बस पैनकेक्स का जो बैटर है वो रेडी हो गया। इसको मैंने टेस्ट कर लिया और अगर आपको लगे कि बनानास कम मीठे हैं तो आप थोड़ी सी हनी डाल सकते हैं, वैसे जो ज़्यादा राइप हुए बनानास होते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको मैं बहुत छोटे साइज़ में ये जो पैनकेक्स हैं बना रही हूँ, इस तरह स्टोर करने इजी होते हैं और मैं क्वांटिटी अपने कंट्रोल में रख सकती हूँ कि अगर पूरा बड़ा पैनकेक मुझे नहीं खाना है तो मैं छोटा एक पैनकेक ले सकती हूँ।
अब इसको बहुत लो फ्लेम पे आपने पकाना होता है इस तरह से कि ऊपर वाली सरफेस पे बबल्स आने शुरू हो जाएं, तो मतलब नीचे से ये कुक हो गया और फिर आप साइड चेंज कर लें और जब नीचे से भी कुक हो जाए तो फिर आप निकाल लेंगे। तेज आग पे नहीं बनते, बर्न होने लग जाते हैं। इस तरह से बना के निकालते जाएं और यकीन माने बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये जो रेसिपी है इसमें तो पता भी नहीं चलता कि आपने बनाना डाला हुआ है। आप ट्राई करके देखेंगे फिर आप बताइएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये जो पैनकेक्स होते हैं ये आपने बिल्कुल बस अपने पैन को ग्रीस करना है ऑयल से, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना। अब ये जुकीनी ब्रेड जो है वो मैंने 60 मिनट्स के लिए रख दी थी और ये हो गई है बेक। ये देखें, इसमें टूथपिक या स्क्यूअर डालते हैं तो क्लीन निकलता है, लेकिन अगर चॉकलेट चिप कोई होगा उसको टच करेगा तो ज़ाहिर है थोड़ा सा लग जाएगा उस पर स्क्यूअर पे, तो उसकी फिक्र नहीं करनी। दो तीन जगहों पे आप प्रिक करके देखें और अगर ये प्लेन मतलब यानी कि टूथपिक क्लीन निकलती है तो मतलब ये रेडी हो गया और ये बहुत मज़े की ब्रेड होती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना मफिन्स। उसके लिए ये कोकोनट ऑयल है और ये पैराशूट का ब्रांड है, लेकिन जो एडिबल ऑयल होता है खाने वाला ये वो है। इसको मैंने गर्म कर लिया, बिल्कुल मेल्ट कर लिया, ज़्यादा हीट अप नहीं करना, बस इतना सा कि मेल्ट हो जाए, 10-20 सेकेंड्स माइक्रोवेव में ठीक रहेगा। उसके अंदर मैंने ऐड की है हनी, और जो हनी की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी उससे अभी मैंने हाफ डाल के देखी है, क्योंकि बनानास भी इसमें डलेंगे और वो काफ़ी मीठे होते हैं, राइपन्ड बनानास, तो अगर मुझे ज़रूरत ना पड़ी तो और हनी नहीं डालूंगी। ये मैंने ऑयल को और हनी को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसमें भी 2 रूम टेम्परेचर पे एग्स जाएंगे और अब इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क और इसमें वेनिला एसेंस जाएगा। रेसिपी में जो ओरिजिनली है वो 1 टीस्पून है, लेकिन मैं 2 टीस्पून डालती हूँ, आपकी मर्जी है। अगर आपको ज़्यादा वेनिला पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। हैंड विस्क यूज़ कर लें या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है वो यूज़ कर लें। ये ऐसी रेसिपीज़ हैं कि इसके लिए आपको उसमें फोम बनानी ज़रूरी नहीं है मिक्सचर में, बैटर में, तो इस वजह से मैं हैंड मिक्सर ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें राइपन बनानास जाएंगे 3 इनको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि ब्रांड कौन सा है, ये न्यूट्री बुलेट है, मैजिक बुलेट, और ये बहुत अच्छा ब्लेंड करता है। इसके लिए मुझे वाटर वगैरह की भी ज़्यादातर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हर चीज़ को ये जल्दी से ब्लेंड कर देता है। अब इस मिक्सचर में मैंने डाल दिया है बनानास, उनको भी मैंने मिक्स कर दिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आटा, अल बेकर का चक्की फ्रेश आटा मैं यूज़ करती हूँ। आपको आटा नहीं पसंद तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली व्हीट मफिन्स हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा आटा डाल दिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिनेमन का पाउडर, साथ में इसमें जाएगा ये सॉल्ट, ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ था मैंने, और ये जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी और ये भी मिक्सचर काफ़ी थिक है और मैंने टेस्ट करके देखा है, मुझे लग रहा है बाकी हनी की ज़रूरत है तो मैंने सारी हनी डाल दी है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपने कपकेक्स बेक किए हुए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कपकेक्स का मिक्सचर जो है वो केक के बैटर की तरह होता है, लेकिन ये जो मफिन हैं इनका मिक्सचर काफ़ी थिक होता है, क्योंकि मफिन्स काफ़ी डेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू कपकेक्स। कपकेक्स लाइट एरी फ्लफी होते हैं और इनका टेक्सचर ज़रा डेंस होता है, और ये मोस्टली ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं।
हर चीज़ का अपना टेक्सचर, अपनी एक अपीयरेंस होती है। और ये जो बैटर है ये एग्जैक्टली 12 मफिन्स के लिए है, और ये मैंने इक्वल कर दिया इन सबको। और अब ये भी जाएंगे अवन में, ऑलरेडी प्री हीटेड अवन है 180 डिग्रीज पे। और थोड़े से चॉकलेट चिप्स मैंने इन पे ऐड कर दिए, टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो ऐड कर लें, नहीं तो आप ना ऐड करें। और अब इसको मैंने तकरीबन रख दिया है 20 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट्स एक्स्ट्रा भी रखना पड़ा था, टोटल 25 मिनट्स में बेक हुए थे। हर एक का अवन डिफरेंट होता है, आपके हिसाब से आप देख लें कि आपको कितनी देर करना है। कई अवन्स में उसी टेम्परेचर पे जल्दी बेकिंग हो जाती है, कभी किसी में देर से। यहाँ पे अब मैं जो मेरे पास वैक्स पेपर पड़ा हुआ था उसके मैं पीसेस बना रही हूँ स्टोरेज के लिए। और ये मैंने जुकीनी ब्रेड जो है वो मैंने कट करनी शुरू कर दी। ये देखें कितनी अच्छी ब्रेड है, और ब्रेड तो ये है ही, लेकिन इसको आप जुकीनी चॉकलेट केक भी कह सकते हैं, एक पाउंड केक के टाइप का इसका टेक्सचर है। और आप इसको, बिलीव मी, आप इसको ब्रेड की जरूरी नहीं कि आपने इसके ऊपर कुछ लगा के इसको खाना है, आप इसको वैसे केक के तौर पे भी खाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। और मैंने कभी इसमें मैदे को आज तक वैसे व्हीट, यानी जो आटा होता है व्हीट फ्लावर, उससे रिप्लेस नहीं करके देखा, लेकिन मैं कभी ट्राई करूँगी, फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। और ये हैं डार्क चॉकलेट पैनकेक्स। और अब मफिन्स जो हैं उनको हम चेक कर रहे हैं, ये देखें मफिन्स बिल्कुल रेडी हैं, ये देखें, और बस इनको भी हम निकाल लेंगे। और ये है फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब इन सब चीज़ों को मैं ठंडा होने का वेट कर रही हूँ अच्छी तरह से, जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे फिर उसके बाद मैं इनको पैक करूँगी। अच्छा, जब तक ये आप क्लिप देख रहे हैं आपको मैं बता दूं कि आप जब इनको फ्रीज कर लेंगे तो डिफ्रॉस्ट करके खाने का क्या तरीका है, आपको इनको निकाल के बाहर नहीं रखना है, आपको जस्ट इन्हें फ्रीजर से निकालना है और कवर किए बगैर माइक्रोवेव में 10-10 सेकंड्स के लिए इनको वार्म करते जाएं, और देखें अगर वार्म नहीं हुआ है ठीक से तो फिर 10 सेकंड्स और करें। सिंपल सा ये तरीका है, और बिल्कुल उसी तरह फ्रेश और सॉफ्ट हो जाते हैं गर्म होने पे जिस तरह से ये हमने बेकिंग करके इनको निकाला था। ज़्यादा हीट नहीं करना है, लेकिन बस इतना सा कि डिफ्रॉस्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सामान पैक, और साथ में जो है ये चोरी हो रही है जोरों शोर के साथ, सबके लिए मफिन्स निकाले जा रहे हैं और जुकीनी ब्रेड निकाली जा रही है चाय के साथ पीने के लिए। एनीवेज, जो लेफ्ट ओवर है उसको मैं इस तरह से स्टोर कर रही हूँ, और फिर एयर टाइट कंटेनर है तो उस वजह से ईजी रहेगा। आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है या आप रखते हैं कंटेनर्स के बगैर, तो फिर आप जिप लॉक बैग्स में इनको रख सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और मेरे पास चूंकि वैक्स पेपर ख़त्म हो गया था तो अब मैं इसमें बेकिंग पेपर से कवर कर रही हूँ, और बस अब ये फ्रीज़र में जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू आप सबकी ढेरों ढेर सपोर्ट के लिए। और आप सब जो मिशारी के बारे में पूछते रहते हैं, एंड पे मैंने मिशारी का भी एक क्लिप ऐड कर दिया है, और मिशारी साहब उसमें जो है वो डक बन के दिखा रहे हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अरे बाया, कैसे डक बनता है मिशी? उधर जाओ मिशी, उधर जाओ, डक उधर जाके दिखाए।